हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। आज मैं आप लोग को ये वीडियो बना के मैसेज देना चाहता हूँ कि आज होली है। पहले तो आप सब लोग को बोलना चाहूँगा होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप लोग को हैप्पी होली टू ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय एल्डर्स एंड माय ऑल लव टू माय ऑल फॉलोअर्स। तो भाई लोग, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि बस होली एक अच्छा पर्व होता है, इसको अच्छे से मनाइए और परिवार के साथ मिलकर मनाइए, सब परिवार इकट्ठे होकर मनाइए। ये बहुत ही अच्छा उत्सव होता है सबको एक साथ मिलकर मनाने के लिए। तो भाई लोग, हम लोग होली मनाते हैं लेकिन बहुत कम जन होते हैं जो ये नहीं जानते कि होली क्यों मनाते हैं। तो बात होती है कि हमारा जो बोलते हैं मैथिलोजी पुराण में जो होता है कि हमारा हिरण्यकश्यप जी जो थी उनके एक बेटे थे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी जो थे वो भगवान विष्णु जी के भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप जो थी जो वो असुर लोक के देवता थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटा उनकी हमेशा भक्ति करे। लेकिन प्रहलाद जी जो थे हमेशा वो भगवान विष्णु जी का भक्त ही थी। वो जब भी प्रार्थना करते थे भगवान विष्णु जी के ही प्रार्थना करते थे। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा कि इसी के लिए ना उनका जो एक बहन थी उनका नाम थी होलिका, उनको भगवान जी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भी वो आग में बैठेंगे तो तभी वो आग बुझ जाएगी लेकिन उनका शरीर नहीं जलेगा। तो इसीलिए वो चाहते थे अपने भाई को सफर करने के लिए, वो इसलिए बोले कि तुम मेरे लिए समाधि तैयार करो जिसमें मैं प्रहलाद को लेकर बैठूंगा और उसमें प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बोलते भक्त भक्ति भक्त का भक्ति हमेशा जीतता है और भक्ति हमेशा जीतता है। कुछ उल्टा ही ऐसा हुआ जो होलिका ने खुद जल गई लेकिन प्रहलाद जी फूल की समाधि पर बैठे हुए नजर आए। तो उसी दिन को याद रखने के लिए होलिका की जो मौत हुई थी इसी के लिए होली हम बनाते, होली उत्सव बनाते हैं। तो ये था मैथ्रो जी, हम होली क्यों बनाते हैं। लेकिन और एक बात हम बोल रहा हूँ, होली खेलिए, होली बहुत अच्छा बात होता है, होली खेलिए, होली एक अच्छा पर्व होता है। लेकिन अब जो केमिकल होता है, रासायनिक जो रंग होता है उससे बच के रहिए, क्योंकि उससे हमारा तो स्किन डिजीज निकलता है, बहुत सारा नुकसान भी होता है और सबसे मूल्यवान चीज़ होता है हमारा आँख। अगर वो रंग आँख में आ जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, केमिकल रंग से दूर रहिए। मैं इसलिए सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को, खास करके ये बताने के लिए कि केमिकल रंग से दूर रहिए। तो बस हैप्पी होली, इट्स माई फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वीडियो टू ऑल माई फॉलोअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर। लास्ट में बस मैं इतना बोलूँगा कि 2 साल तक मेरा अकाउंट हो गया, अब तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो ये मैसेज जो मैं दे रहा हूँ, आज जो वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, आगे भेजिए, सबको बताइए कि होली को अच्छे तरह बनाए, अच्छे से बनाए, ज़्यादा केमिकल रंग यूज ना करें, क्योंकि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, हमारी शरीर के लिए हानिकारक है। और एक बात तो हमारे जो है कि हमारे जो खुद का जो बनाई हुई रंग होता है जो अबीर बोलते हैं जिसको हम, वो हमारा इंडिया से ही बनता है, केमिकल प्रोडक्ट्स हमारा बाहर से आता है जिसकी वजह से हमें इंडिया का कोई भी फायदा नहीं होता है। हमारा पैसा ही बाहर देश को चला जाता है, हमारे देश का कोई उन्नति नहीं हो पाता। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, बस अपनी सेहत के लिए, अपनी देश के लिए, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अबीर होता है उस रंगों के लिए। बस हैप्पी होली फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, डोंट यूज केमिकल कलर्स। थैंक यू।